महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को इंदौर में रोड शो किया। राजमहला से राजवाड़ा तक लगभग 4 किलोमीटर के रास्ते पर निकले रोड शो में हजारों समर्थक उपस्थित रहे। पहले उन्होंने उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की और अपलाम में जनसभा को संबोधित भी किया। प्रियंका गांधी ने राजमहल्ले पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो को प्रारंभ किया। यह रोड शो मालगंज, नरसिंह बाजार, बंबई बाजार, गुरुद्वारा होते हुए लगभग 2 घंटे बाद राजवाड़ा पहुंचकर समाप्त हुआ। वाड़ा पर प्रियंका गांधी का संक्षिप्त भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राजवाड़ा पर प्रियंका ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता से पूछे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, जो आज बड़े बड़े वादे आपसे कर रहे हैं उनके घमंड को तोड़ दीजिए, उन्हें सबक सिखाइए, बहुत हो चुकी है मैं उनकी मनमानी। अपने आप को तपस्वी कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है, लोकतंत्र को बचाना है और आपका वोट सही पार्टी एवं सही उम्मीदवार को ही देना है। एयरपोर्ट से राजमहल्ला जाते समय प्रियंका गांधी ने रामचंद्र नगर चौराहे पर अचानक अपनी गाड़ी रुकवाई और वहां खड़े लोगों से मिलने जा पहुंची। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाए, उनके हालचाल पूछे और पुनः गाड़ी में बैठकर रोड शो के लिए रवाना हो गई। प्रियंका का रोड शो लगभग 4 किलोमीटर का था। इस पूरे क्षेत्र को कांग्रेसियों ने झंडे एवं बैनरों से काट दिया था। बड़ी संख्या में कांग्रेस रोड शो में शामिल हुए। प्रियंका खुले रथ पर सवार थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पंकज संघवी आदि भी उनके साथ थे। एसपीजी की टीम ने रोड शो का पूरा रूट चेक करती जा रही थी। रोड शो के रास्ते पर लगभग 100 मंच लगाए गए थे। शो में महिलाओं एवं युवतियों की भारी भीड़ रही। Ha ha! Bottom!